आपको पता है कि जो हमारा हेयर स्टाइल होता है वो हमारे बॉडी का बहुत ही हाइलाइटिंग पार्ट होता है। लड़कियों की सबसे पहले नजर हमारे हेयर स्टाइल पे ही जाती है और हमारा हेयर स्टाइल ही डिसाइड करता है कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी है। तो अगर आपको ओवरऑल पर्सनैलिटी अच्छी करनी है तो आपको हेयर स्टाइल अच्छा करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें हेयर स्टाइल की तो कोई एक पर्टिकुलर हेयर स्टाइल नहीं है कि ये हेयर स्टाइल सब पे सूट करेगा ही करेगा। जिस तरह जो हमारे कपड़े होते हैं वो हमारे कलर कॉम्प्लेक्शन हमारे फिजिक पे डिसाइड होते हैं, उसी प्रकार जो हमारा हेयर स्टाइल है हमारे फेस के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि हमारे फेस पे कितने एंगल्स एंड डायमेंशंस हैं या डायमेंशंस है ही नहीं, ओवल है या सर्कुलर है। और बड़ी अजीब सी बात है कि जैसा हमारा फेस होता है उसको हम छुपाते हैं और अपना हेयर स्टाइल ऐसा रखते हैं कि वो फेस वैसा ना दिखे। ये वीडियो में आप आगे बढ़ते बढ़ते बात समझ जाएंगे। तो आज हम बात करने वाले 5 फेस शेप के बारे में। पहला है राउंड, दूसरा है ओवल, तीसरा है स्क्वायर, फोर्थ है रेक्टेंगल एंड फिफ्थ है ट्रायंगुलर। तो पहले बात कर लेते हैं राउंड शेप के बारे में। अगर आपका फेस राउंड शेप्ड है यानी कि एंगल्स है ही नहीं, गोल सा दिखता है, तो आपको क्या करना है? आपको उसको गोल नहीं दिखने देना, जो कि मैंने आपको कहा था जैसा दिखता है वैसा नहीं दिखने देना है। आपको यहां पर एंगल्स बनाने हैं। एंगल्स कैसे बनेंगे? साइड से अपने बाल को कम करो, पीछे से भी कम करो, ऊपर से वॉल्यूम ऐड करो और उठा दो। आप ऊपर से मीडियम भी रख सकते हो, थोड़े बड़े भी रख सकते हो, लेकिन उठने चाहिए जो हम दिखाते हैं ना भाई स्पाइक से, वो दिखने चाहिए। अब आपका फेस थोड़ा सर्कुलर नहीं दिखेगा, एंगल्स आ जाएंगे तो फेस अच्छा दिखेगा ही दिखेगा। दूसरी हम बात कर लेते हैं ओवल शेप के बारे में। ये राउंड की ही तरह होता है लेकिन ये थोड़ा लंबा सर्कल होता है, ये ओवल शेप्ड होता है, अंडाकार होता है। ये बहुत ही लकीस्ट होते हैं भाई, बहुत लकी होते हैं कि इनके ऊपर कोई सा भी हेयर स्टाइल जच जाता है। बट मैं आपको यहाँ पर यही सजेस्ट करूंगा कि जिस तरीके से हमने राउंड में एंगल्स को बनाया था, हमें यहाँ पर भी एंगल्स को बनाना चाहिए। साइड से कम करो, पीछे से भी छोटे करो, ऊपर से आप बड़े भी रख सकते हो, मीडियम भी रख सकते हो, छोटे भी कैसे भी, बट ज्यादा छोटे ना हो और जितने भी हो उसमें वॉल्यूम ऐड करना जरूरी है। वॉल्यूम ऐड करके आप साइड में भी ले जा सकते हो और बैक पे भी ले जा सकते हो। नंबर 3 या नंबर 4 को हम साथ ले लेते हैं क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल है। स्क्वायर मतलब एक डब्बा सा आपको दिख जाएगा भाई, चारों तरफ कोना कोना सा, और रेक्टेंगल मतलब वो लंबा डब्बा हो गया। अब यहाँ पर हमारा फेस डब्बा डब्बा सा लग रहा है तो हमें डब्बा डब्बा सा नहीं लगने देना है। जिस प्रकार हमने ओवल एंड सर्कुलर शेप में एंगल्स बनाए थे, यानी कि एंगल बनाए थे ताकि हमारा वो राउंड राउंड ना दिखे, अब इसमें तो पहले से ही एंगल है तो यहाँ पर हमें क्या करना है, राउंड राउंड बनाना है। यानी कि यहाँ पर आपको साइड से कम नहीं रखने चाहिए, आपको थोड़े बड़े रखने चाहिए जो कि साइड से भी बड़े हो, पीछे से ही बड़े हो, ऊपर से ही बड़े हो, और उसको पूरे को पीछे ले जा सकते हो और ऊपर उठा सकते हो। यानी कि ऊपर से थोड़ा गोल गोल सा दिखना चाहिए, डोम शेप्ड में दिखना चाहिए ताकि एंगल्स कम दिखे। अगर आप ओवल एंड राउंड शेप की तरह इसमें साइड में छोटे कर लेते हैं और ऊपर से उठा देते हैं भाई पूरे डब्बे लगने लग जाते हो। अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं फिफ्थ यानी कि ट्रायंगुलर शेप के बारे में। अगर आपका फेस ट्रायंगुलर शेप्ड का है यानी कि इनवर्टेड हम बात कर रहे हैं, ऊपर 2 कॉर्नर्स होंगे नीचे 1, यानी कि अगर आपका फेस एक उल्टे ट्रायंगल की तरह लग रहा है, त्रिकोण की तरह लग रहा है, तो आपको कैसा रखना चाहिए? ये भी वन ऑफ द मोस्ट अडॉप्टिंग शेप्स में से आता है, यानी कि आप कैसा भी हेयर स्टाइल रख सकते हो लेकिन अगर आप बड़े रखते हो तो भाई बहुत ही बेहतरीन लगेंगे। मतलब जो शौकीन होते हैं ना कि बड़े बड़े महेंद्र सिंह धोनी की तरह रखूंगा, वैसा हेयर स्टाइल रखे भाई कतई जहर लगोगे। यानी कि आप बड़े रख सकते हो और बड़े रखना है तो भाई डिसाइड तो कुछ होता नहीं है, बड़े तो कैसे भी रख लो। आप चाहो तो पूरे पीछे ले जाओ, अगर आप चाहो तो एक साइड से पीछे ले जाओ, बाकी को साइड में कर लो, तो जैसा मर्जी वैसा रखो लेकिन बड़े रख सकते हो। और बस फिर खुला घूमो भाई साहब, लड़कियां चिपट जाएंगी मां कसम भाई, मतलब बॉयफ्रेंड ही बना लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो यार। मैं भी जा रहा हूं भाई, हेयर कट करवाने जा रहा हूं, मेरे को भी लड़की पटानी है भाई, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में नोटिफिकेशन आते हैं उसको प्लीज ऑन कर देना ताकि ऐसी और वीडियोस आपको मिलती रहें।